हिंसक रूप देने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस पर पथराव कर रहे थे। सहारनपुर में पुलिस ने 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा प्रयागराज में भी 6 गिरफ्तारी की गई है उपद्रवियों की, जो लगातार पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने की। कार्रवाई की जा रही है सहारनपुर में, प्रयागराज में, और आपको याद है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि देखिए बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई करेंगे, सख्ती से निपटेंगे और नजर बनाए हुए हम लोग। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की। उत्तर प्रदेश की 13 शहरों में अलर्ट जारी किया गया था, 13 शहरों में पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया था, लगातार फ्लैग मार्च किया गया कई जगहों पर, कई जगह ड्रोन से नजर रखी गई, कई जगहों पर ऊंची इमारतों से भी पुलिसकर्मी लगातार नजर बनाए हुए थे, ऐसे चौराहों पर, ऐसी गलियों पर जहां पर अक्सर नमाज अदा करने के बाद ऐसे नमाजी इकट्ठा होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हैं कई लोग, जो ऐसी वक्त में ऐसी नजाकत के साथ वहां पर भड़काते हैं हिंसा को और वहां से भाग जाते हैं। देखिए इसी बीच एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर मुस्तैद थी पुलिस, लेकिन फिर भी प्रयागराज में, सहारनपुर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई।